In this section, I will be explaining how the government regulations can help the investors to overcome the problem of adverse selection, or the the problem that they do not end up investing in lemons. So, government regulation, government ka role ho hai ke wo help karti hai इन्वेस्टर्स को या तमाम जो की प्लेयर्स हैं कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में कि इस तरह से रेगुलेशंस डेवलप करें वो रेगुलेशंस बनाती है जिससे काफ़ी ज़्यादा हद तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो इन्वेस्टर्स के लिए ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें और अपने रेगुलेशंस के थ्रू वो कोशिश करती है कि इन्फॉमेसन ए सीमेट्री को कम अज़ कम किया जाए रिड्यूस किया जाए और जैसे मैंने पहले बताया इन्फॉर्मेशन ए का मतलब है कि जो सेलर है उसका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और जो बायर है उसका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो दोनों बराबर नहीं है इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ए सीमेट्री अगर वो दोनों बराबर हैं हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन सिमेट्रिकल है दोनों एंड्स पे बराबर इन्फॉर्मेशन है मगर चूँकि इन्फॉमेशन ए सीमेट्री इज़ कॉमन फिनोमिनन इन फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है कि जो सेलर है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सिक्योरिटीज़ का उसके पास जो उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और अपनी फर्म के बारे में जहाँ से पैसा आएगा कमा के आपने जनरेट करके पैसे प्रॉफिट्स या लॉस या जो भी होगा वो स्टॉक बायर को आपने एंड एंड ऑफ द डे पे या बाय द एंड ऑफ दैट फिस्कल ईयर को आपने देना है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेलर के पास ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू जो ओरिजिनल जो मार्केट जो जो फर्म ओनर है या फर्म के मैनेजर हैं उनके पास इन्फॉमेसन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो इन्वेस्टर है जिसने वो सिक्योरिटी को परचेज़ करना है तो गवर्नमेंट मदद देती है इन्फॉर्मेशन एसेमिटरीज को कम करने के लिए वो किस तरह से कि वो इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करती है कंपनी को पाबंद करती है कि आपने इस किस्म के लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन डेट करना है आपने कोई एनुअल रिपोर्ट्स छापने हैं कुछ लेवल ऑफ कुछ तरह की इंफॉर्मेशन आपने पहुंचानी है और इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो ख़ुद भी इन्वेस्टर्स uh, के बारे में मुहैया करती है ऐसा करने से क्या होता है कि जब वो जो नॉन परफॉर्मिंग या पुअर परफॉर्मिंग जो फर्म्स हैं या बहुत अच्छे वाले फाइनेंशियली जो स्ट्रांग फर्म्स नहीं है जब उनके बारे में लोगों को इन्वेस्टर्स को बताती है कि ये फर्म्स अच्छे तरह से अपने फाइनेसिस को मीट नहीं कर पा रहे या इनके अंदर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने वाले हैं तो उससे क्या होता है उससे बैड सेंटिमेंट आ सकता है उससे उनकी जो ओवरऑल जो गुडविल uh, है वो ख़राब हो सकती है तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कट करने के लिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन के लिए कुछ इदारे बना देती है जिनका काम होता है कि वो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए और उनके तहत वो फॉर्म्स को पाबंद करे कि उन्होंने जब किसी भी मार्केट में ऑपरेट करना है तो उनको उस कायदे कानून को फॉलो करना होता है और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में हुकूमतें इस चीज़ को का तयन करती हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रेगुलेट करती हैं फर्म्स को ताकि वो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हद तक डिसमिनेट करें लोगों के पास आवाम को पता हो कि फर्म के, के ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इन्होंने कितना इनकम जनरेट किया है इस तरह तमाम तरह की चीज़ें और पाकिस्तान में भी इस तरह का निज़ाम मौजूद है जहां सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसको हम मुख्तसरा एस सी बोलते हैं वो फर्म्स को रेगुलेट करती है वो फर्म्स के लिए रूल्स डिफ़ाइन करती है और वो बताती है कि फर्म्स ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लोगों को डिसमिनेट करनी है किस किस्म के कायदे कानून के मुताबिक वो रजिस्टर होंगी और वो परफॉर्म करेंगी और इन, किन कवानीन के मुताबिक वो अपने जो बिज़नेसेस हैं उनको वो आ, उनके पूरे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वो डिफ़ाइन करती हैं ऐसा करने से क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन ए हैं उनको आप मिनिमाइज कर सकते हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट सिमिलरली दे आर रिक्वायर टू प्रोवाइड सफिशेंट स्टस्टिक्स कि वो एक एक ख़ास तरह की डेटा सेट को ख़ास तरह के वेरिएबल्स के ऊपर मेनटेन करती हैं और अभी लेकिन इस पूरे सिलसिले में हम ये देखते हैं कि जो बैड फर्म्स हैं यानी ये बुरे फर्म्स हैं बुरे फर्म्स का मतलब होता है कि जो कि फाइनेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है या फ्यूचर में वो कलेप्स करने वाली है या उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करी और अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स लोगों से लिए हुए हैं काफ़ी सारे अपने स्टॉक्स मार्केट में बेचे हुए हैं और उनका ओवरऑल फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की बजाय नुकसान कर देंगे लॉसेज हो जाएंगे जिन लोगों ने उनके स्टॉक्स बाय किए हुए हैं तो बैड फर्म्स जो हैं चूँकि रेगुलेशन हैं उनको अपने वो तमाम कायदे कानून को फॉलो करना है और अपने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को पब्लिकली अनाउंस भी करना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट्स के फॉर्म में लेकिन वो क्या करती है वो लोगों को धोखा देने के लिए अपनी कुछ इंफॉर्मेशन को फैब्रिकेट कर देती हैं उसका उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देंगी या जहाँ जिन जिन इंडिकेटर्स के ऊपर वो पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर वो डेटा को अपडेट नहीं करते इस किस्म के काम करके वो अपने एडवर्स सिलेक्शन के वाले प्रॉब्लम को बरकरार रखते हैं का मतलब है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन ने तो हमें मदद दिया ना कि वो रेगुलेट कर रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू एस के थ्रू अपने कायदे कानून के थ्रू इन्फॉर्मेशन ए को रिड्यूस कर रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टर है वो एडवर्स सिलेक्शन ना करे लेमन में इन्वेस्टमेंट ना करे लेकिन जो बैड फर्म्स होते हैं वो इस रेगुलेशन से भी बच जाते हैं समटाइम्स ता, वो क्या करते हैं वो अपने जो डेटा होती है उसमें कुछ फर्जिंग करते हैं उसमें कुछ मनीपलेट कर देते हैं या वो नॉट अवेलेबल कर देते हैं कुछ की वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते जिससे जो इंफॉर्मेशन एसेमेट्री है या एडवर्स सिलेक्शन है इसका जो इस, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये कम तो हो जाती है ब, मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होती